नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा एटिकल में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज हम जो बोर्ड बनाने वाले, ये बोर्ड से मुझे इंस्टाग्राम में किसी आप लोगों में से किसी एक जन मैसेज किया था कि इस बोर्ड का वायरिंग बताएगा, जिसमें उन्होंने एक डीपी स्विच का यूज किया था, सेम दो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ था, एक होल्डर, तीन सॉकेट और यहाँ पे दो स्विच था। तो सेम मैंने ये बोर्ड बना लिया और इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग किस तरीके से होगा। तो इसमें हमारा क्या है, पहले फ्यूज में हमारा कनेक्शन आएगा, उसके बाद हमारा डीपी स्विच में आएगा, डीपी स्विच के बाद हमारा सीधा यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से सॉकेट और इस होल्डर में कनेक्शन हमारा जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसे कनेक्शन देखना। तो हम क्या करते हैं, सेम इसका पहले डायग्राम देख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन देखेंगे। तो जो इसमें हमारा कनेक्शन आएगा, जो हमारा फेज का वायर, ठीक है, इस बोर्ड में जो हमारा फेज का वायर आएगा, ठीक है, इसको हमको लेके कहां पे आना है, इसको लेके आना हमको फ्यूज में। ठीक है, हमारा जो फ्यूज होगा उसका नीचे टर्मिनल में हमको क्या करना है, फेज लाना है और सेम एक में हमको न्यूट्रल लाना है। दोनों में से किसी एक में हम क्या करेंगे, फेज का वायरिंग करेंगे। तो जो हमारा फेज का वायर आ रहा है हम इसको लेके आएंगे और एक फ्यूज में डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस फ्यूज में हम फेज का वायर डालते हैं। तो फेज हमारा यहां पर आ गया। अब क्या होगा, ये फ्यूज के थ्रू आउट करेगा यहां से, या आउट करने के बाद हमको कहां पे लेके आना है, अब लेके आना हमको यहां पे डीपी स्विच में। तो हमारा जो डीपी स्विच है, इसमें दिखा हुआ है हमारा फेज यहां पे जाएगा, न्यूट्रल यहां पे जाएगा। ठीक है, और डीपी स्विच में नीचे टर्मिनल में हमारा फेज इन करता है और आउट ऊपर से करता है। ठीक है, न्यूट्रल भी हमारे नीचे से इन करेगा, आउट भी ऊपर से करेगा। सेम फ्यूज में भी यही कनेक्शन होता है, ऊपर से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर काम करने का जो तरीका होता है वो फेज का वायर और न्यूट्रल का वायर जो इन करता है वो नीचे से करता है, आउट हमेशा ऊपर से करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां से जो फेज का वायर हमारा आउट होगा, ये कहां से लेके आएंगे हम, ये लेके आएंगे अब हम डीपी स्विच में। तो डीपी स्विच में हमको यहां पे लाना है फेज का वायर, तो हम क्या करेंगे, ये वायर को लेके यहां पे इन करा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा फेज का वायर यहां से आउट करेगा। अब ये आउट करने के बाद क्या होगा, अब इस बोर्ड में यूज है, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर भी ले आते हैं। तो क्या होगा, समझ नहीं हमारा हमको, तो सेम हमारा जैसे फेज का वायर आया, इसी तरीके से न्यूट्रल का वायर भी आएगा। तो हमने एक फ्यूज में फेज का दे दिया, तो दूसरा में हमारे न्यूट्रल देना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रल का वायर को ले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हमारा यहां पे इन किया, अब ये सेम यहां से आउट करेगा। ठीक है, तो ये आउट किया यहां से, अब इसको कहां लेके आना है, अब यहां से जो आउट करेगा ऊपर से, इसको लेके आना हमको यहां पर डीपी स्विच के नीचे टर्मिनल में, जहां पर हमारा एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से लेके आएंगे। हम यहां पे इन करा देंगे, अब यहां पे इन किया न्यूट्रल हमारा। तो अब ये न्यूट्रल यहां से आउट करेगा हमारा, सेम यहां से आउट किया। अब हमको जरूरत है इस बोर्ड में, तो इस बोर्ड में हमारा क्या है, एक स्विच से ये तीनों सॉकेट चलेगा और एक स्विच से ये होल्डर हमारा ऑपरेट होगा, जैसे बोर्ड में हमारा लग रहा है। ठीक है, कि वो बोर्ड भेजे तो उसमें वो लिखा हुआ नहीं था कि क्या यूज होगा, तो मुझे लगता है एक स्विच से ये तीनों सॉकेट ऑपरेट होगा और ये स्विच से हमारा ये होल्डर को ऑपरेट करेंगे। तो सेम हम इस वीडियो में भी करेंगे, ये स्विच से ये तीनों सॉकेट और ये स्विच से ये होल्डर को ऑपरेट करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज का वायर है, ठीक है, हमारा डीपी स्विच तक तो काम हो गया, अब जो हमारा फेज का वायर आएगा वो कहां आएगा, वो आएगा दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है, ये फेज का वायर को हम सेम लेके आ जाएंगे ये स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो हमारा एक स्विच यहां पे सेम एक लूप देके हम यहां पे दे देंगे। तो हमारा फेज यहां भी पहुंच गया और यहां भी पहुंच गया। अब हम क्या करना है, एक स्विच से, ये स्विच से हमको ये तीनों सॉकेट को ऑपरेट करना है, ये स्विच से हमारा तीनों सॉकेट चलेगा। तो हमको क्या करना है, हर सॉकेट में लिखा होता है एक जगह एन, एक जगह एल, एन एल एन और एल। ठीक है, ये हमारा अर्थिन के लिए होता है, यहां पे इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा, अर्थिन के लिए बना होता है। तो हमारा ये बॉडी अर्थिन के लिए हो जाता है, ये न्यूट्रल के लिए जहां एन लिखा हुआ है और जहां पे एल लिखा हुआ है फेज के लिए। तो ये हमारा जो फेज, ये तीनों सॉकेट में आउट करेगा, एक स्विच के थ्रू करेगा, क्योंकि एक ही स्विच से ये तीनों को सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके आएंगे सेम यहां पे, ये स्विच का जहां पे एल लिखा है। अब हम सेम यहां से लूप बना के यहां पे ले जाएंगे और एक लूप बना के हम यहां पे ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो एक ही बार में हमारा ये तीनों फेज, ठीक है, जो तीनों सॉकेट में फेज का है करंट पहुंच जाएगा। ऑफ करेंगे तो ये तीनों सॉकेट हमारा ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, न्यूट्रल। तो हमको यहां पर न्यूट्रल का जरूरत कहां पे, एक यहां पर जरूरत है, एक यहां जरूरत है, एक यहां जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को भी लेके आएंगे। एक यहां पे लेके आ गए, ठीक है। अब हमको कहां जरूरत है, यहां पे जरूरत है, सेम हम यहां से लूप बना के यहां पे ले जाएंगे। अब सेम यहां से लूप बना के यहां पे ले जाएंगे। तो ये न्यूट्रल आप यहां से यहां भी इन करा सकते हैं, कहीं से भी किसी भी तरीके से क्या करना है,
ये सब में आपको न्यूट्रल पहुंचा देना है, जहां सॉकेट मैन लिखा हुआ है, जहां फेज की जरूरत है वो स्विच के थ्रू हमारा फेज पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब इस बोझ में हमारा बचा होल्डर, तो होल्डर में दो वायर होंगे, एक में हमको जरूरत पड़ेगा क्या का, एक जरूरत पड़ेगा हमको फेज का, दूसरा जरूरत पड़ेगा हमको न्यूट्रल का। ठीक है, तो एक वायर जो हमारा फेज का होगा, ठीक है, जैसे ये होल्डर कनेक्शन किया तो होल्डर का दो वायर ले लिया मैंने, ये होल्डर में एक हमारा फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए। तो जो हमारा फेज का वायर, जो लाल कलर का वायर है इस बोर्ड में, ठीक है, ये लाल कलर का जो वायर है उसको क्या करना है, जो हमारा फेज का वायर है इसको लेके आएंगे हम, जो आया है ये हमको जरूरत क्या है, ये स्विच से ये होल्डर को ऑपरेट करना हमको, ये स्विच से ये होल्डर हमारा चलेगा, तो क्या करना है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में हमको जो फेज का वायर है उसको लेके आएंगे और यहां पे दे देंगे। ठीक है, अब इस होल्डर का जो न्यूट्रल वायर है, वैसे यहां पे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको कहां, न्यूट्रल हमारा वायर कहां है, देखिए ये न्यूट्रल का वायर आया कहां है, तो आप कटिंग करके भी यूज कर सकते पर वो करना सही नहीं है, तो हमारा न्यूट्रल यहां पे आया हुआ है, ये तीनों सॉकेट में न्यूट्रल हमारा पहुंचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे और हमारा न्यूट्रल यहां पे आया, हम यहां से भी इन करा सकते, कहीं से भी आप दे दीजिए, न्यूट्रल का हमारा यहां पे था तो हम यहां से आउट करा दिया, तो हमारा क्या, देखिए ये वायर के थ्रू न्यूट्रल पहुंच गया इस होल्डर में, और जैसे स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फेज का करंट भी पहुंच जाएगा, तो ये होल्डर हमारा चलने लगेगा, जैसे ऑफ करेंगे तो हमारा फेज का करंट कट जाएगा, तो ये होल्डर हमारा बंद हो जाएगा, सेम ये चीज सॉकेट में भी हमारा बात होगा। अब हमारा बचा क्या, अर्थिंग का करंट, तो जो हमारा अर्थिंग का जरूरत है, ठीक है, हमको जरूरत कहां पे, तो ये सॉकेट का जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है, ठीक है, ये सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल में हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर लगता है, तो हमको क्या करना, जो हमारा अर्थिंग का वायर आएगा लेके आ जाना, तो इसके लिए हमको फ्यूज व्यूज किसी का जरूरत नहीं है, ये हमारा कहां जाएगा, सीधा सॉकेट में, तो हम क्या करेंगे, यहां सॉकेट में ले आए। अब हमको कहां का जरूरत है, यहां पे जरूरत है और यहां भी जरूरत है, तो हम सेम एक लूप बना के यहां ले जाएंगे और एक लूप बना के हम यहां पे ले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो अर्थिंग का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा जो डायग्राम के थ्रू जो काम था वो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा बोर्ड वायरिंग करेंगे, तो हमारा जो फेज का वायर इन करा रहे हैं हम कहां करा रहे हैं, फेज का वायर हम ये फ्यूज में इन करा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर ले लेंगे, न्यूट्रल का वायर भी लेते आएंगे, जो हमारा ये तीन वायर आ रहा था, ठीक है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग का वायर, हम ये लेते आते हैं, तो मैंने तीन वायर ले लिया, तो हमारा फेज का वायर हम कहां इन करा रहे हैं, ये फ्यूज के नीचे वाला टर्मिनल में, तो हम क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से करते हैं, तो ये हमारा फेज का इन हो गया। हमारा न्यूट्रल कहां इन करा रहे, न्यूट्रल यहां इन करा रहे, तो न्यूट्रल का वायर हम ब्लैक कलर का लिया है, तो न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल का जगह होल में डाल देंगे और हम न्यूट्रल नीचे वाला टर्मिनल में इन करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फेज, और न्यूट्रल हमारा इन कर गया। अब हमारा क्या है, फेज हमारा यहां से आउट करेगा यहां से, और न्यूट्रल हमारा यहां से आउट करके दोनों कहां पे आ जाएगा, अब ये आ जाएगा दोनों हमारे यहां पे, ठीक है, डीपी स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में फेज हमारा यहां पे आ रहा है, न्यूट्रल यहां पे आ रहा है, तो दो वायर हम ले लेंगे, तो फेज का हमारा यहां से आउट कर रहा है, तो हम यहां से आउट कराते हैं, न्यूट्रल हमारे यहां से आउट कर रहा, तो न्यूट्रल के लिए भी एक वायर लिए थे हमने, ये हो गया हमारे यहां पे। ठीक है, अब ये फेज और न्यूट्रल का वायर हमारा कहां आएगा, ये आ जाएगा सीधा डीपी स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में, ठीक है, ये दोनों जो टर्मिनल है ये दोनों में हमारा एक में फेज एक में न्यूट्रल आ जाएगा, तो हम ये दोनों को वहां पर ले जाते हैं, तो हमारा फेज का वायर लाल कलर का है, तो ये वायर हमारा कहां पे आ जाएगा, ये वायर हमारा आ जाएगा सीधा डीपी स्विच, तो डीपी स्विच के लिए हमने यहां पे होल किया है, तो हम डीपी स्विच का यहां पे होल में दे देंगे फेज का, ये हमारा फेज का वायर इन कर जाएगा, उसका बगल में हमारा न्यूट्रल है, इसका वायर जो हमारा न्यूट्रल का आया हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों कनेक्शन हमारा हो गया, एक में हमारा फेज इन करेगा दूसरा में न्यूट्रल, तो हम ये भी कर देते हैं,
ठीक है। अब हमारा फेज यहां से आउट करेगा, सेम जैसे डायग्राम में देखा जाए तो हमारा फेज यहां से आउट करा, न्यूट्रल हमारा यहां से आउट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक वायर और ले लेंगे। जो हमारा यहां से फेज का वायर आउट करेगा वो कहां जाएगा, वो आ जाएगा स्विच के दोनों नीचे टर्मिनल में, ठीक है। तो एक वायर हम यहां पे ले लेते हैं, ये हमारा यहां से आउट करेगा, कहां जाएगा स्विच के सारे नीचे टर्मिनल। तो हमारे पास दो ही स्विच है, अगर अधिक स्विच रहता तो वो भी जितना भी स्विच रहता वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हमारा फेज जाता। तो हमारा यहां से आउट करा के हम कहां पे ले आएंगे, हमारा दोनों स्विच यहां पे, ठीक है। तो दोनों स्विच के निचले टर्मिनल में हम यहां पे ले आते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमारा क्या है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर निकला कहां पे, ये तीनों सॉकेट में हमारा गया है, सेम एक यहां से आउट किया यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे जो लाल कलर का है, ठीक है। तो हमारा स्विच का ऊपर टर्मिनल कहां पे था, ये स्विच से हमको ये तीनों सॉकेट को ऑपरेट करना था, ठीक है। ये स्विच से हमारा ये तीनों सॉकेट होगा, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर जाएगा कहां पे, एल ई हमारा यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ, तो तीनों जगह हमको ले जाना है। तो सेम इस तरीके से एक लूप बना लिया और इसका भी हम कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से बड़ा इजी में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फेज हमारा देखिए ये दोनों जगह पहुंच गया था। अब ये स्विच ऑन करने से हमारा क्या होगा, ये यहां से आउट करते हुए अब ये तीनों सॉकेट हमको ले जाना है, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। तो ये तीनों को हम टाइट कर देते हैं और हमारा जो फेज काम वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा हमारा होल्डर का, तो होल्डर का एक वायर को हमको क्या करना है, स्विच को ऊपर टर्मिनल में ले जाना है, ठीक है। होल्डर का वायर हमारा कहां पे था, ये दो होल्डर का वायर है, ठीक है। यहां पे देखिएगा तो ये होल्डर का दो वायर मैंने लिया था, तो होल्डर का एक वायर को हमको जो फेज का वायर वो कहां जाएगा, वो आ जाएगा ये स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। तो हमारा ये स्विच यहां पे है, ठीक है। सेम ऐसे देखिएगा, यहां वाला स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में, तो हमारा ऊपर वाला टर्मिनल यहां पे है। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर यहां पे दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फेज काम कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा बचा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमारा कहां तक आया हुआ, अभी हमने क्या है डीपी स्विच तक, ठीक है। डीपी स्विच में हमारा न्यूट्रल यहां तक आया हुआ, हम क्या करेंगे न्यूट्रल यहां से आउट कराएंगे। अब हमारा यहां से जब आउट करेगा न्यूट्रल तो ये कहां आएगा, ये सीधा आ जाएगा हमारा कहां पे, ये सॉकेट में, ठीक है। हमारा सॉकेट में जहां पे एल लिखा हुआ है तीनों सॉकेट में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सेम यहां से न्यूट्रल का एक वायर ले लेंगे, ये हमारा यहां से आउट करेंगे कहां पे आ जाएगा, तो हमारा सॉकेट कहां पे, यहां पे, ये होल्डर का हमारा, ये तीन सॉकेट है, ठीक है। एक दो तीन, ये तीनों में हमारा न्यूट्रल चाहिए था, जिसे डायग्राम में हम देखा जाए तो कहां का न्यूट्रल चाहिए था, एक यहां पे चाहिए था, एक यहां पे चाहिए था, एक यहां चाहिए। तो जो हमारा डीपी स्विच से आउट करके आया वायर है, ये वायर को देखिए यहां से लेते हुए हम आए कहां पे, सॉकेट में। तो हमारा यहां पे डीपी स्विच का वायर निकला है, ये वायर हमारा ये लाया, तो हमको कहां पे लेके आना, ये तीनों सॉकेट में, तो हम कहीं एक टर्मिनल में ले जाएंगे और सेम वहां से हम बाकी सब में भी सप्लाई कर देंगे। तो हम यहां लेके आए, अब यहां से हमको लूप बना के यहां पे भी ले जाना और यहां पे भी ले जाना है। तो हम इस तरीके से एक वायर का लूप ले लेंगे और साथ में काम करते हुए चल जाएंगे, ठीक है। ये वायर हम यहां भी लाके डालते हैं न्यूट्रल में, हमारा बात बराबर पड़ता, यहां भी देते तो बात बराबर पड़ता, तो यहां भी देते, कहीं भी हम न्यूट्रल देते तो क्या होगा, हमको सब में जगह न्यूट्रल पहुंचाना था तो हमको लूप वायर करना ही पड़ता। यहां हो गया और एक हमारा यहां पे हो गया, तो हमारा न्यूट्रल काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, बस होल्डर वाला कनेक्शन, ठीक है। होल्डर में जो न्यूट्रल जरूरत था, होल्डर वाला वायर हमारा कहां, न्यूट्रल का, देखिए ये बचा हुआ है,
ठीक है, तो इसको हमको न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल हमारा कहां पे आया हुआ, देखिए न्यूट्रल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। ये जो वायर था हम यहां भी से भी कनेक्शन दे सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, कहीं भी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल हमारा यहां भी पहुंचा हुआ, न्यूट्रल वायर यहां भी है और यहां भी है। तो हम क्या करते हैं यहां पे दे देते हैं, यहां पे मेरा सिंगल वायर है, बाकी समय डबल वायर है। तो मैं क्या करता हूं यहां कनेक्शन दे देता हूं। डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो मैंने यहां या यहां कहीं भी आप दे सकते हैं, जहां पे न्यूट्रल आया हुआ है वहां पे आप कनेक्शन दे दीजिए, इजी वे में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक का हमारा काम कंप्लीट। अर्थिंग का काम, तो अर्थिंग का कहां लेके आया, अर्थिंग का जो वायर है वो कहां पे आया, सॉकेट के तीनों टर्मिनल में जो ऊपर का है, ठीक है। तो मैंने भी अर्थिंग का वायर ले आया था, तो ये ग्रीन कलर का अर्थिंग का जो वायर है मैं तीन वायर लाया था, फेज का वायर जो हम फ्यूज में इन कराए, न्यूट्रल का वायर, ठीक है, ये हमारा फेज का वायर था इन कराने वाला, ये न्यूट्रल का वायर था जो इन कराए थे। अब जो हमारा अर्थिंग का वायर है ये क्या है, ये तीनों सॉकेट के कोई भी एक टर्मिनल में हम दे देंगे और वहां से आपस में शॉर्ट करा देंगे हम, ठीक है, कनेक्शन दे देंगे, कहने का मतलब है। तो हम क्या करते हैं इस तरीके से एक लूप ले लेंगे हम, यहाँ पे अगर अर्थिंग देते हैं, ठीक है, सेम हमको यहाँ पे अगर दे रहे हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ दिए, यहीं से एक लूप बना लेंगे और बाकी सब में भी दे देंगे। तो हमारा क्या अर्थिंग यहां पहुंच गया, अब इसके थ्रू हमारा यहां भी आ जाएगा और उसके बगल वाले सॉकेट में भी हम दे देंगे। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको चेक करके देख लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारा लास्ट बच गया, तो ये हमारा काम इधर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ बगल वाले बोर्ड में इसको कनेक्शन देके देखूंगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसे कनेक्शन दे दिया, फ्यूज दोनों लगा दिया, इसको टाइट कर दिया, एक होल्डर कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम जैसे क्या होगा, हमारा जो फेज के इसमें करंट आ रहा है वो कहां पे आ रहा, फ्यूज में आ रहा, फ्यूज के थ्रू आउट होता है हमारा कहां पे आ रहा, डीपी स्विच। हम जैसे डीपी स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा हल्का सा ग्लो कर रहा, ठीक है, ये हमारा ग्लो कर रहा। तो अब ये मतलब क्या, अब यहां से ये सप्लाई दे रहा, अब ये सप्लाई देते हुए कहां पे आ रहा, ये दोनों स्विच में, ठीक है। तो एक स्विच हमारा ये होल्डर के लिए और ये स्विच ये तीनों सॉकेट के लिए था हमारा। तो हम क्या करेंगे जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये होल्डर हमारा जलना चाहिए, तो ये होल्डर जल रहा, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। बचा ये तीन सॉकेट, तो हम ये होल्डर के थ्रू चेक करके देख लेंगे, अगर एक सही है तो बाकी सब सही होना चाहिए। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है और सेम ये भी सही है, ठीक है। तो जो हमारा बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन था इसे मैं ऑफ कर देता हूं, ये जो हमारा कनेक्शन है सेम इस तरीके से, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। ये जो हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है न्यूट्रल जो है जो होल्डर वाला वायर ये कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, यहां भी, या हमारा जो डीपी स्विच के बाद, ठीक है, डीपी स्विच के बाद जो हमारा न्यूट्रल निकल रहा वो आप कहीं पे भी लूप करा के दे सकते हैं, पर वो सही नहीं रहेगा, आप कोशिश कीजिएगा सॉकेट में दे देने का। बचा जो फेज का कनेक्शन है आप सिंपल इसी तरीके से कीजिएगा, अगर यहाँ पे दो का जगह तीन या चार स्विच भी है तो सेम जो हमारा फेज का वायर है यहाँ दो में गया था और ये बाकी तीन या चार स्विच जितना स्विच है आपको यूज करना सारे स्विच में चल जाएगा। आपको एक होल्डर की जगह दो होल्डर चलाना तो न्यूट्रल सेम आप कहीं से भी ले जाइए, अगर यहां से है तो यहां से भी लूप बना के न्यूट्रल ले जा सकते हैं। फेज जो होगा अगर अदर दूसरा स्विच होगा वो स्विच को ऊपर टर्मिनल से आपका फेज का कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।